हेलो फ्रेंड, ये मेरा 15 दिसंबर का टेस्ट था। उसके अंदर टैक्स वन वाला ये वन था, और उसके अंदर था कि यहाँ पे परसेंटेज सर्विस ऑफ एक्चुअल टाइम एंड टारगेट टाइम दिखाया गया था, और ये वाला है वो एक्चुअल टाइम है, और ये वाला है वो टारगेट टाइम है, और यहाँ पे परसेंटेज था 87। और उसके साथ ही इसके साथ ही ये बोला था कि कस्टमर जो है उसका कंप्लेंट इसके साथ कंपेयर करो। यहाँ पे ईयर था सब, ये जो ईयर है वो बिल्कुल यहाँ पे जो दिख रहा है वही था, और यहाँ पे भी परसेंटेज था, जो कितना कंप्लेंट आ रहा था वो था, बस यहाँ पे ईयर था, और इसका दोनों का कंपैरिजन करना था। ये वाला टास्क वन था, और टास्क टू में मुझे बताया गया कि बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ में बीच में क्या प्रॉब्लम आता है, क्या सोल्यूशन आता है, उसके बारे में था। तो ये मेरा राइटिंग का था, और लिसनिंग का एक 1 to 10 ब्लैंक था, फिर उसके बाद मैप था, फिर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे, फिर से अगेन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे, और फिर लास्ट में फिलिंग ब्लैंक था। और स्पीकिंग का मेरा 17 तारीख को हुआ था, उसके अंदर बस जनरल क्वेश्चन पूछा, आप स्टूडेंट है नहीं है, चिल्ड्रंस है उसको केक क्यों पसंद करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, और नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं। फिर क्यू कार्ड में टॉपिक में था कि आपने बर्थडे अटेंड किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए, सब कहाँ किया, कैसे किया, क्या एंजॉयमेंट किया, बस। और क्यू कार्ड के ऊपर से टॉपिक था कि एडल्ट लोग है वो बर्थडे करना पसंद करते हैं, करते है, क्यों नहीं करते, वगैरह वगैरह सब था। मतलब सब ओके गया, अभी देखना है, देखो कैसा रिजल्ट आता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप अच्छे से एक बार देख लीजिए।